Hey everyone, this is Shubham Dashora, and in this particular series of videos, I'm going to be trying to teach some biology and chemistry stuff. So we're going to be taking up biology first and then further moving upon chemistry. And in biology, the first topic that we're going to be dealing with is going to be respiration in plants. Respiration in plants. और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जो सबसे बेसिक टॉपिक आता है वो होता है कि ब्रीदिंग क्या होती है। तो यार ब्रीदिंग जो है ना वो होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन ऑफ ह्यूमंस के केस की बात करें तो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग। और प्लांट्स के केस की बात करें तो इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। ब्रीदिंग जो है वो बेसिकली गैसियस एक्सचेंज है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच। जबकि रेस्पिरेशन जो है, क्वेश्चन काफी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, रेस्पिरेशन टर्म को क्लियर नहीं होती। तो ब्रीदिंग जो है वो काफी सिंपल प्रोसेस है, वो लिमिटेड रहता है एक्सहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन तक। पर रेस्पिरेशन जो है इसके कंट्रारी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, एक एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो इससे हम इसे डेफिनेशन बना सकते हैं कि लाइक रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव एनर्जी रिलीजिंग एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस इन ऑर्गेनिजम्स। अब कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं, ये आखिर में है क्या? ये इनको हम एक टर्म देते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। अब ये जो है ये हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एटसेट्रा। पर मेन जो है वो होता है कार्बोहाइड्रेट और उसके अंदर होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो मेन रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है जिसका ब्रेक डाउन होगा और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होगी। ब्रेक डाउन जो है वो होता है CO2 और H2O में। अब इसकी जो कंप्लीट रिएक्शन है हम पहले वो देख लेते हैं। तो C6H12O6 का 1 मॉलिक्यूल प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ various unlimited type of enzymes, a lot of enzymes are used in this process, and this get converted into 6 CO2 plus 6 H2O, and a huge amount of energy is released, which is equal to 686 kilocalorie or 2780 kilojoule, or we can write as 38 ATP. कहीं पर पढ़ा है कि 38 ATP रिलीज होती है, कहीं पढ़ा 36 होती है, और इंटरनेट पे चेक किया तो उन्होंने बोला कि 36 और 38 पहले बताई जाती थी, अब तो 32 बोली जाती है। पर जब मैंने वापस इसमें पूरी काउंटिंग करी, जब हम लास्ट में एनर्जी बायो एनर्जेटिक्स पढ़ते हैं पूरा चारों प्रोसेस का जो होती है रेस्पिरेशन में, तो उसमें लास्ट में 38 ATP आता है। पर ये 36 इसको जो लिखते हैं या फिर 32 जो लिखते हैं वो डिपेंड करता है कि हम NADH की वैल्यू क्या लेते हैं। अगर 1 NADH को हम 3 ATP के इक्वल्स मानते हैं, NADH भी एक एनर्जी कंजर्विंग मॉलिक्यूल है ATP की तरह। ATP एनर्जी करेंसी होती है सेल की जो डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करती है। पर अगर एक NADH को हम 3 ATP के बराबर मान रहे हैं तो श्योर है कि 38 ATP का जनरेशन होगा एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन, कंप्लीट ब्रेक डाउन होने पर। ओके, तो ये रेस्पिरेशन के बारे में कुछ बेसिक था। अब रेस्पिरेशन के टाइप्स, रेस्पिरेशन के बहुत ही दो सिंपल से टाइप्स है जो हम सब ने काफी अच्छे से पढ़े हुए हैं। पहला है एरोबिक, दूसरा है एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है?
वॉट वो रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वो जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होती है। ये बिल्कुल बेसिक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो मिलता है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इट इज प्रेजेंट इन हायर ऑर्गेनिजम्स। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फूड जो मटेरियल है, फूड मॉलिक्यूल्स है, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन। जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट फिक्स दिस वेस्ट ऑफ गोइंग ऑन। या कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा फूड का, और एनएरोबिक के अंदर इनकंप्लीट ब्रेकडाउन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं CO2 एंड H2O, काफी सिंपल मॉलिक्यूल्स। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं CO2, इथेनॉल, ये इसके अंदर जो रेस्पिरेशन है उसको फर्मेंटेशन ही बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है और बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड अलग बनता है, इथेनॉल के साथ नहीं बनता है, इथेनॉल एक कम्प्लीटली अलग प्रोसेस है। लैक्टिक एसिड जो एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में वो काफी हाई होती है, वेरी हाई। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, अगर सिंपल बिल्कुल जनरल बात करें तो 686 किलो कैलोरी, डोंट माइंड द राइटिंग प्लीज। एंड जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी रिलीज है वो काफी लो लो अमाउंट में होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है तब 59 किलो कैलोरी का फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होती है, और लैक्टिक एसिड के टाइम पे 36 किलो कैलोरी का रिलीज होता है। एग्जाम्पल्स में वही है कि एरोबिक हायर ऑर्गेनिजम्स में, एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, अब रेस्पिरेशन है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये एरोबिक एनएरोबिक के डिफरेंस यहीं तक समाप्त होते हैं। अब रेस्पिरेशन जो है वो एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। तो स्टेप वाइज प्रोसेस है तो सबसे पहला जो इसके अंदर स्टेप आता है वो आता है ग्लाइकोलिसिस, जो कि होगा साइटोसोल में। इस वीडियो के अंदर हम केवल इन स्टेप्स की बेसिक्स पढ़ेंगे, मतलब कि बिल्कुल इंट्रो पढ़ेंगे इनका, और आगे वाली जो वीडियोस है उनके अंदर इन हर एक स्टेप्स के अंदर भी जो स्टेप्स है उनको डिटेल में पढ़ेंगे एकदम। तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो होता है साइटोसोल में, और इसके अंदर इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इस टर्म को, ग्लाइकोस और लाइसिस में। ग्लाइकोस का मतलब होता है ग्लूकोस और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पाइरुविक एसिड के अंदर, जो कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो 6 कार्बन से 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। सेकेंड स्टेप जो है वो है TCA या फिर क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हैंस एडोल्फ क्रैब, और TCA का फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले वीडियोस में। इसके बाद ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इन दोनों के बीच में, ग्लाइकोलाइसिस के और TCA के बीच में, एक लिंकेज स्टेप और आती है, पर इसको एक अलग से स्टेप नहीं मानते हैं, ये बेसिकली TCA के अंदर ही आता है। पर कहीं कहीं पे मैंने पढ़ा है कि इन दोनों को एक लिंक, इसको एक अलग ही स्टेप मान सकते हैं हम लोग, पर नहीं मानते क्योंकि ये इसके अंदर इन्वॉल्व है। एक लिंकेज स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस और TCA के बीच में। तो बेसिकली पाइरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोए में चेंज होता है, और PDH पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स जो है 5 को एंजाइम से बना हुआ, बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्स है ये। इस चैप्टर में बहुत एंजाइम्स पढ़ने वाले, बहुत ज्यादा। तो ये PDH कॉम्प्लेक्स जो है वो पाइरुविक एसिड को चेंज कर देता है एसिटिल कोए में, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और जो थर्ड प्रोसेस है वो है ETC या ETS, और ETS
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है बेसिकली, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और लास्ट में ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, वाटर में चेंज हो जाता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स में। इसके बाद लास्ट एक और, इसको स्टेप नहीं बोल सकते पर ये एक तरह से स्टेप भी है और है भी नहीं, क्योंकि एक हाइपोथेसिस है बेसिकली, केमी ऑस्मोटिक थियोरी, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, पर ये इसके अंदर इसको इसको पढ़े बिना आप लोग ये नहीं समझ सकते, हम लोग ये नहीं समझ सकते कि एनर्जी बनी कैसे है। प्रोटॉन पंपिंग थ्योरी बोलते हैं इसको, ये पीटर मिशेल जो है एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी, और ये हालांकि अभी भी हाइपोथेसिस ही है ये, कि उन्होंने वो एक्चुअली प्रूव नहीं कर पाए थे पर उन्होंने बोला था कि ऐसा होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन ऐसे ही होगा। तो यार ये कुछ बेसिक चीजें थी, बेसिक स्टेप्स थे। सो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर। Hey everyone, I know that the video is over, but I just wanted to share one more thing कि अभी जो है हम सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ तो मेरी खुद की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, और सभी स्टूडेंट यही कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में इतना मज़ा नहीं आता है, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है जो कि रियल क्लास में मज़ा मिलता है। एग्रीड, बिल्कुल सही बात है, पर हमको फिर भी इन ऑनलाइन क्लासेस की वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा हुआ है कि हम इन क्लासेस से पढ़ें। यार कोरोना जो पेंडेमिक है उससे केवल हम लोग अफेक्ट नहीं हुए हैं, उनसे सभी लोग अफेक्ट हुए हैं, फिर भी जो टीचर्स हैं वो हमारे लिए एफर्ट कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवर एंड वंस गॉन इट्स नेवर गोना बी रिटर्निंग बैक। वी शुड डेफिनेटली वैल्यू दीज ऑनलाइन क्लासेस एंड ट्राई टू गेट इन्वॉल्व विद दिस विद दोस टीचर्स हु आर मेकिंग एन एफर्ट जस्ट फॉर अस। ऑल्सो आई एम मेकिंग सम वीडियोस, just kidding by the way, but we should definitely get involved in these online classes. Aur ye itna aasan nahi hai online classes lena. I'm like shooting like 7th or 8th time for just this one introductory video, and yeah, it's just too tough. You mean if you will try making such videos, you will feel then that it's not a piece of cake to eat, or it's not just a cup of tea to make such videos and to take online classes. I don't know why I should be saying it or not, but yeah, just felt like saying it. So.